अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशु सिविंग आर्ट्स। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाले हैं इस पाकिस्तानी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये सारे पैचेस वाले सूट थे, इसमें सारे पैच लगते हैं और कपड़े के सारे पार्ट्स अलग अलग थे। इसको हमने इस ज्वाइंट करके सब बनाया है, तो हम इसकी वीडियो दिखाएँगे कि कैसे हमने इसको बनाया। और ये पैंट है, इस पर हमने लेसेज लगाई हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के पैचेस हैं। इसको हमें जंपल के फ्रंट में लगाना है। और दूसरा पैच ये है, ये स्लीव्स के लिए है। इसको हमें स्लीव्स पे अटैच करना होगा। ये इस तरह का दो पैच है, ये देख सकते हैं आप। और तीसरा पैच ये है, इसको हमें दामन में लगाना है, बैक पार्ट के दामन में लगाना है इसको। और ये स्लीव्स का कपड़ा है। और ये इस तरह की साइड में लगाने वाली, चाक में लगाने वाली पट्टी है। और ये लटकन है, इसको भी हम इस तरह से बीच में टाकेंगे। और ये लेस हमने पहले ही लगा के दुपट्टे पे रेडी कर ली है। तो ये अस्तर वाला जो कपड़ा है, पहले इसकी हम मेज़रमेंट करेंगे। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़र करिए, हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 7-7 इंच हमने आर्म होल शोल्डर वगैरह की मेज़रमेंट की है और 10 इंच चेस्ट वगैरह की। तो इस तरह पहले हम अस्तर वाले कपड़े की मेज़रमेंट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा ये अस्तर वाला पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम हमारा जो ये ऊपर वाला कपड़ा है, मेन कपड़ा है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, पहले बैक को फिर फ्रंट को, फिर बहुत ही सफाई से ये अस्तर वाले कपड़े को इस तरह रखकर इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस तरह से कट का मार्क कर लेंगे। अब ये स्लीव्स का कपड़ा है, अब इसकी मेज़रमेंट करेंगे। पहले तो पैच को इस तरह से रखते हुए इसकी लेंथ का मेज़रमेंट कर लेंगे और अपने नाप के अकॉर्डिंग इस तरह से मेज़रमेंट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे, अस्तर वाले कपड़े को और फ्रंट वाले पार्ट को, और फ्रंट आर्म होल को डीप कर लेंगे और इस तरह पैच को रखते हुए लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे। तो हमारा जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कट करके निकालना होगा। तो इस तरह मार्क करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब हम पैच को इस पर अटैच कर देंगे और बैक वाला पार्ट भी इस तरह से रखेंगे। पहले तो हमें इसमें जो ऑर्गेन्जा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से कटवा को हमें फिनिशिंग से कट करके निकालना है। हमारे पास शोल्डरिंग आयरन नहीं था तो हमने इस तरह से इस अगरबत्ती की हेल्प से हमने इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से इसकी कटिंग कर ली है। और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी कटिंग हुई, इसमें ज़रा भी कुछ गंदगी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ही फिनिशिंग से ये हमारा पैच वर्क कट के रेडी हो गया। अब ये बैक वाला जो है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स का ये पैच वर्क है, इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमने फ्रंट के पैच को फ्रंट में जोड़ दिया है। अब फ्रंट के ऊपर बैक वाला पार्ट इस तरह हम रखेंगे और बिल्कुल कटवर को मिलाते हुए उसकी लेंथ का मेज़रमेंट करते हुए इस तरह से हम मार्क करेंगे। और फिर इस तरह पिन की हेल्प से इसको हम अटैच करते हुए इस पर ज़िगज़ैग वाली स्टिचिंग करेंगे। हमने सारे पैच को ज़िगज़ैग वाली स्टिचिंग से ही अटैच किया है। अब ये भी
बैक वाला हमारा पैच अटैच हो गया है। अब इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, बराबर बराबर इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी। अब हम अस्तर वाले कपड़े को और ऊपर वाले पल्ले को इस तरह रखते हुए गले की भी मेज़र करके कटिंग कर लेंगे। हमने गले की स्टिचिंग कर ली है, फ्रंट वाले देख रहे हैं आप, ये गला स्टिच हो गया है और बैक वाला भी। अब इसके दोनों शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बैक वाला पार्ट ओपन करके उसके अंदर फ्रंट वाला इस तरह दबाते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब दोनों साइडों को हम जॉइंट कर लेंगे और फिर इसकी कंप्लीट स्टिचिंग कर लेंगे, स्लीव्स भी लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा स्लीव्स का पैचवर्क बचा है, हम इसकी भी स्टिचिंग करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से फिनिशिंग से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन, और हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, बस हम इसी तरह से सारे पैच को हमने अटैच किया है। हमारे दोनों स्लीव्स के पैच अटैच हो गए हैं। अब सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर है फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।